तो देश जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अहमदाबाद, और अहमदाबाद में उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारी की गई है। हमारे दो सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, नवेद हैं और पूरब पटेल हैं। पूरब पटेल का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। पूरब, स्वागत की तस्वीर हम देख रहे हैं और प्रधानमंत्री किन किन कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं ये भी हम देख रहे हैं, लेकिन आज अहमदाबाद के लोग क्या सोच रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, जरा ये भी हमें बताइए, सुनवाइए। बिल्कुल विद्या, लोगों के पास जाऊंगा, उससे पहले एक नज़ारा दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग केसरिया साफा पहने हुए यहाँ पर मौजूद है और लोग ज़बरदस्त उत्साह के साथ है यहाँ पर, कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जीत के बाद पहली बार आए हैं, सरदार पटेल की जो मूर्ति है उन्हें नमन भी करेंगे? हम उसके स्वागत के लिए सब अहमदाबाद वाले आए हैं, क्योंकि पहली बार वो अहमदाबाद में आ रहे हैं और सब जनता बहुत खुश है उसके स्वागत के लिए, क्योंकि वो पहली बार वो गुजरात में आ रहे हैं अपनी माता जी को प्रणाम करने के लिए। और माँ का प्रेम देख के हमको गौरव होता है कि एक माँ का आशीर्वाद लेके एक पुत्र कितना बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए माँ का आशीर्वाद वोट डालने से पहले भी लिया था और आज भी माता के दर्शन के बाद कल सुबह काशी जाएंगे। ओ माँ का संस्कार, देश की तरक्की और देश का विकास और सबका विश्वास, आज हमारे देश की तरक्की देश में नहीं विदेशों में है। आज ये विदेश हमारा इतना तरक्की कर रहा है, बोलो भारत माता की। देखिए भारत माता के नारों के साथ यहाँ पर लोग लगातार मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। आप देख सकते हैं कि अब कुछ ही वक्त शेष बचा हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। सरदार पटेल की जो मूर्ति है वहाँ पर जो SPG तैनात हो चुकी है यहाँ पर, और मूर्ति के आसपास कोई नहीं खड़ा है, ट्रैफिक को रोक दिया गया है और अब कुछ ही वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करेंगे। यहाँ पर उनके स्वागत के लिए आपको हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एयरपोर्ट से स्वागत होने के बाद प्रधानमंत्री JP चौक जाएंगे जहाँ पर हमारे सहयोगी नावेद खड़े हुए हैं, वहाँ पर भी हजारों की संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पूरब आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। रोहित, लेकिन विधानसभा चुनाव, गुजरात के विधानसभा चुनाव को याद कर लीजिए और उसके बाद लोकसभा का चुनाव सबके सामने है। ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब गुजरात से बाहर निकल चुके थे, तो लोग इतना विश्वास BJP पर नहीं दिखा पा रहे थे या फिर उस तरीके से आप लोगों को सीटें भी नहीं मिली, लेकिन लोकसभा चुनाव में लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री अगर कोई है हमारे लिए तो वो नरेंद्र भाई ही हैं, और इसीलिए 26 की 26 सीटें मिली और इसीलिए विधानसभा चुनाव में BJP अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। देखिए विद्या जी, मैं गुजरात में ही उस समय मैं लगभग एक महीना विधानसभा चुनाव में रहा। देखिए वहाँ पर स्थानीय मुद्दे बहुत बड़ा एक था कि कुछ विधायकों को लेकर, क्योंकि लंबे समय तक आप देखिए 22 साल तक एक राज्य में सरकार में रहना और कई सारे विधायक लंबे समय तक भी रहे तो थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, थोड़ा विधायक को लेकर कहीं ना कहीं वो रहता है, लेकिन ओवरऑल ये था कि भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देना तब भी चाहते थे और वही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी सरकार बनाई। और यही एक कारण है कि इस बार किया कि आपने बिल्कुल सही था, गुजराती अस्मिता एक जरूर एक विषय है, किस तरीके से गुजरात के निकल कर प्रधानमंत्री जी ने आज देश के अंदर और पूरे विदेश के अंदर जो भारत का नाम कर रहे हैं, तो एक वो एक बहुत बड़ा कारण था। और मोदी जी पर गुजरात के लोगों को एक भरोसा है कि हाँ मोदी जी हैं, लगातार आप गुजरात के लोगों ने मोदी जी पर भरोसा जताया और वही कारण है आज मोदी जी यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, वो एक कारण रहा। तो आप विधानसभा और लोकसभा में अंतर है और मुझे लगता है कि आज पूरा देश, गुजरात ही नहीं पूरे देश के आज वो भरोसा मोदी जी, जब देश के लिए चुनना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनना। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि एयरपोर्ट से उतर कर सीधे उन्हें यहाँ स्टैचू के पास पहुंचना था और मूर्ति के पास पहुंच गए, सरदार पटेल की मूर्ति, और सबसे पहले उन पर पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर। इसके बाद वो आगे के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, पार्टी दफ्तर जाएंगे, वहां पर उनके स्वागत की तैयारी है। अमित शाह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और ये स्टैचू देखिए, ठीक उसी तरीके का एक स्टैचू है, मूर्ति बनाई गई है जिस तरीके के स्टैचू को आपने देखा कि पूरी दुनिया भर में खूब चर्चा हुई, जिस स्टैचू को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब आए थे सरकार में तो उन्होंने वादा किया था कि हम सरदार पटेल की
दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाएंगे और उन्होंने बहुत जल्दी उस काम को करके दिखाया। तो बहुत आदरणीय हैं और श्रद्धा रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल में, और हम देखते हैं कि जब भी वो गुजरात जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि सरदार पटेल की मूर्ति तक पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित वो करें।